हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। इसे आप रोटी, चपाती, पराठे या चावल के साथ खाइए, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को चलिए हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम मिर्च। तो ये मिर्च मोटी वाली है जिससे हम डंठल अलग कर लिए हैं, धो के इसका पानी सुखा लिए हैं। तो ये सारे स्टेप को आपको ध्यान में रख के अचार बनाना होगा, तभी आपका अचार परफेक्ट बनके तैयार होगा। मिर्च मोटी वाली है, मार्केट में आजकल बहुत ही आसानी से मिल जा रही है। ये तीखी कम होती है, इसका अचार बहुत टेस्टी होता है। अब हमने यहाँ पे लिया है तेल, सरसों के दाने, धनिया दाने यानी कि अखा धनिया, जीरा, क्लौजी, हींग, ब्लैक पेपर, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर और मेथी दाना। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमें एक भारी तले वाली पैन या कढ़ाही ले लेनी है। पैन को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, फ्लेम को हमें स्लो कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो धनिया हमने अखा लिया है, तो इसे हल्का सा भूनेंगे। हमने 2 चम्मच भर के धनिया लिया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के जीरा लिए हैं। हमने यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च ले रखा है, तो इसे भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच मेथी दाना और 2 बड़ी चम्मच सौंफ का ले रखा है। सौंफ से अचार में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो हम सारे मसालों को एकदम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। ध्यान रहे, मसालों को हमें एकदम स्लो फ्लेम पे भूनना है। 1 मिनट हमने मसालों को भून लिया है। यहाँ पे हम डालेंगे सरसों के दाने, क्योंकि सरसों के दाना ज्यादा नहीं भूनना होता है। अगर हम ज्यादा भूनेंगे तो कड़वा टेस्ट आएगा। सभी मसाले को हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। हमने अचार के सभी खड़े मसाले को 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भूना है। फिर से एक बार आपको बता दे रही हूँ, सबसे पहले हमें पैन गरम कर लेना है, फिर फ्लेम को स्लो करके हमें एक एक करके सभी खड़े मसाले डालने हैं। कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। हमें मसाले में से कोई भी चटकने की आवाज नहीं आने देनी है। जस्ट ये गरम हो जाए, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो हमारा मसाला गरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और थोड़ी देर और हम इसे चला दे रहे हैं, जिससे कि ये नीचे से ज्यादा भुने नहीं तो अचार कड़वा लगने लगता है। मसाले से बहुत ही बढ़िया अचारी खुशबू आ रही है। खड़े मसाले को ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपना तेल गरम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पैन में तेल ले लिया है। तेल को हमें उबाल आने तक गर्म करना है। तो आप देख सकते हैं अपनी तेल अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। इसमें उबाल जैसा आपको दिख रहा होगा आ चुका है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और तेल को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अपना मसाला ठंडा हो रहा है, तेल ठंडा हो रहा है, तब तक हम मिर्च को काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मिर्च जो लिया है उसको कट लगाना है। कैसे कट लगाएंगे वो दिखा देते हैं आपको। इसको बीचों बीच हमें 2 हिस्सों में अलग कर लेना है। तो हमें ऐसे ही मिर्च में कट लगाने हैं, बीचों बीच इसे कट लगा लेना है। इसी स्पेस में जो मसाला भरेगा वही अपना अचार टेस्टी बनाएगा। तो चलिए हम सभी मिर्च काट के आपको दिखा रहे हैं।
तो हमने सभी मिर्च में चीरे लगा लिए हैं। अब चलिए हम मसाला पीस लेते हैं जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके रखा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपना मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये अपना मसाला जार है, आपका ज्यादा है तो दो बार करके पीसिए और कम मसाला है तो एक ही बार में पीस जाएगा, नहीं तो बड़ा जार भी ले सकते हैं। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सभी मसाले को मिक्सर जार में पीस लिया है। कितना बढ़िया अपना अचार के लिए मसाला तैयार हो रहा है। चलिए हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो हम ये यहाँ पे बॉल लेंगे और इसमें मसाला को निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के सभी सूखे मसाले। तो हमें अमचूर पाउडर डाल देना है, इसे हमें पीसना नहीं था तो हमने इसे ऐसे रखा है। अजवाइन, तो कभी भी आप अजवाइन डालें तो इसे एक बार साफ करके देख लें, इसमें पत्थर निकलता है तो अचार का टेस्ट खराब हो जाता है। क्लौंजी, हींग, नमक, तो कभी भी आप अचार बनाइए तो उसमें नमक ज्यादा ही डाला जाता है और मिर्च ना हो तो फिर अचार चटपटा कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। मिर्च पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, आप अपने तीखा के अनुसार डाल सकते हैं लेकिन अचार में मिर्च ज्यादा होना चाहिए। और हल्दी हम 1 चम्मच डालेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अचार के लिए अपना कितना बढ़िया मसाला बनके तैयार हो रहा है। आप सोच रहे होंगे मिर्च थोड़ा है और मसाले ज्यादा है, तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं ये मसाला हम बना के कांच के बर्नी में रख लेंगे। जब कभी अचार का बनाना हो तो हम इसमें से 4 चम्मच डाल के अपना अचार तैयार कर लेते हैं, तो हमें बार बार मसाला बनाने की झंझट नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम परफेक्ट अचार के लिए मसाला बनके तैयार हुआ है। अब हम लेंगे यहाँ पे कटा हुआ मिर्च और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच अपना अचार का मसाला और इसके ऊपर हम डालेंगे तेल। तो हमने तेल गरम कर लिया था, तेल डाल देंगे और अच्छे से अचार को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये अपना कितना बढ़िया फटाफट बनने वाला मिर्च का चटपटा अचार तैयार है। फ्रेंड्स इसे या तो आप अभी से खाना शुरू कर दीजिए या किसी जार में भर के आप इसे धूप में दिखा के 24 घंटे बाद खाइए। ये इंस्टेंट अचार फटाफट बनके तैयार होता है। तो चलिए हम इसे एक जार में भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कांच का जार लिया है जिसे हमने गर्म पानी से धो के सुखा लिया है और इसमें हम अचार भर देंगे। तो ऐसे हम धीरे धीरे जार में अचार को भर देंगे। देख लिया हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये लजीज लगता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।